नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लुगदी एवं कागज उद्योग। वास्तव में जो कागज उद्योग है वो सभ्यता का आधार है, क्योंकि जितने भी प्रकार के हमारे विचार हैं, आविष्कार हैं या ज्ञानों का हम अंकन करते हैं वो सभी कागज पर ही संपूर्ण होता है। हालांकि यह न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कागज़ बहुत उपयोगी है। पुस्तकें हो या समाचार हो, इन सभी का आधार जो है वह कागज़ है। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का युग है, लेकिन कंप्यूटर में काम करने के पश्चात भी उसके परिणामों को भी हमें कागज़ पर ही दर्शाना पड़ता है। कागज़ बनाने की जो कला है उसमें चीन के लोग निपुण थे, इसलिए सबसे पहले जो कागज़ का निर्माण हुआ वह चीन में हुआ। शुरू में लकड़ी से लुगदी बनाने के ज्ञान और साधनों के अभाव के कारण 1840 से पूर्व कागज़ बनाने के लिए ज़्यादातर कपास, कपड़े, लिनने और उनके जो चीथड़े होते थे उन्हीं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके कागज़ बनाया जाता था। सन 1840 के बाद कागज़ का निर्माण जो है वह लुगदी से होना शुरू हो गया, और इस काम में जो सबसे अग्रणी राष्ट्र था वह जर्मनी था। उसी ने पहली बार लुगदी से कागज़ बनाना शुरू किया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कागज़ बनाना शुरू किया, और यहाँ पर जो लुगदी है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लुगदी बनाई जाती थी कागज़ के लिए वह लकड़ी से तैयार की जाती थी। हालांकि इस क्षेत्र में इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहा और एस्पार्टो नामक घास से लुगदी बनाकर कागज़ निर्माण उद्योग वहाँ पर शुरू किया गया। आज कई वृक्षों की लकड़ी से लुगदी बनाई जाने लगी है, हालांकि और उत्तम किस्म का कागज़ निर्माण होने लगा है। लुगदी बनाने के लिए जो मुख्य पेड़ हैं वो है चीड़, स्प्रूस, फर, बर्च, हेमलॉक, पोपलर, इन सभी वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 95% जो अच्छा कागज़ बनता है वह लुगदी से ही बनता है। सबसे पहले लुगदी बनाने के लिए लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को मशीनों से पीसा जाता है, फिर इसमें रासायनिक पदार्थ मिलाकर लुगदी को साफ किया जाता है। अब है स्थानीयकरण के कारण कागज़ बनाने से पहले लुगदी बनाई जाती है, उसके बाद कागज़ का निर्माण होता है, इसलिए लुगदी उत्पादन के लिए निम्न कारक सहायक होते हैं। जैसे सबसे पहले तो है कि जहाँ पर लुगदी बनाई जाए वहाँ के भूभाग पर वन होने चाहिए। दूसरा है लकड़ी को लुगदी बनाने वाले कारखानों तक पहुँचाने के लिए सस्ते परिवहन होने चाहिए। तीसरा है कोमल लकड़ी वाले वृक्षों के वन विस्तृत क्षेत्र में होने चाहिए। चौथा है कुशल और सस्ते श्रमिक होने चाहिए। पांचवा है अधिक मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए, और इसीलिए लुगदी के जितने भी कारखाने हैं वो नदी के किनारे स्थित होते हैं। साथ ही ये नदियां जो है वह लकड़ियों के परिवहन में भी सुविधाजनक सिद्ध हुई है। छठा है लकड़ी पीसने और लुगदी बनाने के लिए मशीनें उपलब्ध होनी चाहिए। सातवां है लुगदी बनाने में आवश्यक रासायनिक पदार्थ जो भी होते हैं जैसे कास्टिक सोडा, क्लोरीन, फिटकरी, बिरोजा, ये सस्ती दर पर भी मिलने चाहिए। आठवां है साथ ही कागज़ बनाने के कारखाने भी निकट होने चाहिए ताकि लुगदी आराम से वहाँ पहुँचाई जा सके। तो ये तो थे लुगदी के स्थानीयकरण कारक, और अब है कागज़ उद्योग के जो स्थानीयकरण में सहायक कारक हैं वो है, सबसे पहले है लकड़ी की उपलब्धता। कागज़ और लुगदी उद्योग का चोलीदामन जैसा साथ है, इसलिए कागज़ बनाने के लिए पहले लुगदी बनाना आवश्यक है, और लुगदी उद्योग जो है वह लकड़ी पर निर्भर है, इसलिए कागज़ उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कोमल लकड़ी चाहिए। मुलायम लकड़ी की इस उद्योग में आवश्यकता होती है, क्योंकि मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष देवदार, केल, चीड़, सिल्फर, ब्लू पाइन, स्प्रूच, लार्च, डगलस फर, ये सभी शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों के वनों में पाए जाते हैं, और इन वनों में भी कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कागज़ और लुगदी उद्योग होता है। जैसे वृक्षों को एक स्थान पर अधिक संख्या में मिलना, लकड़ी काट कर उनको गट्ठर में बांधकर
पहले बर्फ़ पर डाल दिया जाता है, और जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लगती है तो लट्ठे कारखानों में पहुंचा दिए जाते हैं ताकि वह लकड़ी और मुलायम हो जाए। फिर शीतकाल में कोई कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए कृषक जो है वह लकड़ी काटने और सस्ती मजदूरी पर मिल जाते हैं। फिर है यहाँ बहने वाली नदियाँ जो है उस पर उत्पन्न होने वाली विद्युत से कागज़ के कारखाने आसानी से चल जाते हैं। फिर है लकड़ी मुलायम होने से इन वृक्षों को काटना भी सरल होता है। तीसरा है स्थानीयकरण के कारण में पर्याप्त जल की आवश्यकता। यह उद्योग पूर्णतः जल पर निर्भर है, क्योंकि अखबारी कागज़ बनाने के लिए कम से कम 100 टन जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कागज़ और लुगदी के कारखाने ज़्यादातर नदी के तट पर स्थापित होते हैं। फिर है ऊर्जा की पूर्ति। इस उद्योग के लिए अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए सस्ती विद्युत दर उपलब्ध होना आवश्यक है। पांचवा है यातायात के साधन। कागज़ उद्योग की स्थिति को परिवहन के साधनों की सुविधा भी प्रभावित करती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जल यातायात महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर वनों से काटी गई जो भी लकड़ी होती है उसे कारखाने तक पहुँचाने के लिए नदियों में बहा दिया जाता है, और गंतव्य स्थान तक पहुँचने पर जल या विद्युत रोपवे द्वारा कारखानों तक पहुँचाया जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में यह उद्योग आयातित लकड़ी पर निर्भर है, वहाँ पर कारखाने सागर तट के निकट स्थापित होते हैं ताकि आने वाली लकड़ी जो है वह बिना किसी व्यय के कारखानों तक पहुँचा दी जाए। और इसके अलावा और जो कारक है उसमें उत्तम मशीनें होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, सस्ता श्रमिक होना चाहिए, सरकारी नीति सही होनी चाहिए, प्रबंध की भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थे कागज़ उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। अब है कागज़ और लुगदी उद्योग का उत्पादन एवं वितरण। विश्व के अनेक देशों में लुगदी उद्योग का विकास किया जाता है। एक यांत्रिक लुगदी निर्माण और दूसरा रासायनिक लुगदी निर्माण, यानी लुगदी उद्योग दो प्रकार का है। लुगदी का उत्पादन ज़्यादातर विश्व के शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में हुआ है। मुख्य लुगदी उत्पादक प्रदेश 3 हैं, जैसे यूरोपीय प्रदेश, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ। लुगदी उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हालांकि इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, रूस आदि देशों में भी लुगदी का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह कागज़ का उत्पादन भी विश्व के अनेक देशों में होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख देश है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान, भारत, चीन। कागज़ निर्माण उद्योग विकसित है। विश्व का 95% कागज़ का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। फिर है इसके प्रमुख उत्पादक देश। प्रमुख उत्पादक देशों में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। कागज़ उत्पादन में यह देश जो है वह विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और लुगदी उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ पर कागज़ और लुगदी की प्रति व्यक्ति खपत भी सबसे अधिक होने के कारण लुगदी और लकड़ी का आयात भी किया जाता है। और यहाँ पर देश का 1/3 भाग वनों से ढका है, और ये वन क्षेत्र जो है वह देश के 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत तटीय भाग, दूसरा है दक्षिणी प्रदेश, और तीसरा है उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत तटीय भाग जो है वह वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में वनों की अधिकता के कारण लकड़ी का अधिक उत्पादन मिलता है। फिर है दक्षिणी प्रदेश। यह क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर तक तटीय क्षेत्र पर विस्तृत है। इस प्रदेश में फ्लोरिडा, अलाबाम, मिसूरी, लुजियाना, जॉर्जिया ये राज्य सम्मिलित है। यहाँ पर गर्म जलवायु होने के कारण वृक्षों की वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। फिर है तीसरा उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश। उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश में अटलांटिक महासागरीय तटीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र न्यू इंग्लैंड राज्य के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यह वनों से ढका हुआ है। फिर है कनाडा। यह देश जो है वह अखबारी कागज़ बनाने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इस देश में शीतोष्ण वनों के व्यापक क्षेत्र होने से मुलायम लकड़ी भी आसानी से मिल जाती है। यह देश विश्व का 15% लुगदी का निर्माण करता है।
यहाँ पर प्रिंस जॉर्ज, अल्बर्नी, मुशालेट और बैंकबूर द्वीप में लुगदी बनाने के कारखाने हैं, और साथ ही लुगदी का सबसे बड़ा ग्राहक जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओटावा नदी की घाटी में मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो, ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी की घाटी में कॉर्नवॉल, सेंट जॉन, न्यू ब्रंसवर्क आदि नगरों में इस उद्योग के कारखाने स्थापित हैं। इसके बाद है रूस। रूस विश्व में सबसे बड़े क्षेत्र पर यहाँ कोणधारी वनों वन विद्यमान हैं, जो स्कैंडिनेविया से लेकर कामचटका प्रायद्वीप तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लंबी चौड़ी पेटी में है। यहाँ पर नदियों द्वारा सस्ता परिवहन, जल विद्युत उत्पादन, रासायनिक पदार्थों का देश में ही उत्पादन, रेल मार्गों का विस्तार और सस्ते श्रमिक के कारण कागज व लुगदी उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के मुख्य केंद्र मॉस्को, गोरकी, लेनिनग्राड, गोमेल, मिस्क आदि नगर हैं। फिर है जापान। जापान विश्व में कागज़ उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। यहाँ पर दो प्रकार का कागज़ बनाया जाता है, एक कठोर कागज़ जो मकान की दीवारों, बोरों और छतरी बनाने में प्रयुक्त होता है, दूसरा नरम कागज़ जो लिखने में उपयोग होता है। यह देश नॉर्वे और स्वीडन से लुगदी का आयात भी करता है। जापान में रूस दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में लकड़ी का आयात करता है। विश्व का 10% अखबारी कागज़ यहीं पर निर्मित होता है, और हॉकेडो द्वीप में सुपेरो, ओटारू, कुशानगर में इस उद्योग के कारखाने हैं। इसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर लकड़ी और लुगदी का आयात किया जाने के कारण यह उद्योग तटीय भागों में विकसित है, और इसका मुख्य केंद्र जो है वह एवरडीन, डंडी और मैनचेस्टर है। फिर है फिनलैंड। यह देश कागज़ के उत्पादन में विश्व का 7वां स्थान रखता है। इस देश में शीतोष्ण वनों की अधिकता के कारण यहाँ उद्योग विकसित हुआ है, और इस देश में बाल्टिक सागर के तटीय प्रदेश में वाजा, औलू, पीड़ी नगर, फिनलैंड में टेम्पी नगर इस उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। फिर है चीन। इस देश को विश्व में सर्वप्रथम कागज़ बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ पर उत्तरी चीन में कोणधारी वन और दक्षिणी चीन की पहाड़ियों पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये वन लकड़ी प्रदान करते हैं। मंचूरिया में कीरिन, हार्बिन, तांतुंग आदि स्थानों पर कागज़ व लुगदी के कारखाने हैं। दक्षिणी चीन में क्वांगचाउ, वुहान, क्वांगचाउ, चेंगासा नगरों में उद्योग के कारखाने हैं। भारत। सन 1816 से तिरुवांकुर स्थान पर प्रथम बार कागज़ का कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में वनों की कमी के कारण यहाँ बांस, सवाई घास और भाबर घास से कागज़ बनाया जाता है। चावल का भूसा भी कागज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ केरल के रैनपुरम, कोझिकोड, उड़ीसा में ब्रजराजनगर, रायगढ़, महाराष्ट्र में बल्लभपुर, सांगली, कामठी, आंध्र प्रदेश में सिरपुर, बिहार में डालमिया नगर इस उद्योग के कारखाने हैं। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वह अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना है। दक्षिणी अमेरिका के देश। यहाँ सदाबहार कठोर लकड़ी के वन का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली में कागज़ का निर्माण किया जाता है। तो उपरोक्त विवरण से हमें ये पता चलता है कि कागज़ और लुगदी उद्योग का विकास उत्तरी गोलार्ध के देशों में अधिक हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में यह उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ है। ये देश अपने यहाँ कागज़ बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार कागज़ का या तो आयात करते हैं या लुगदी का आयात करते हैं। तो ये थे विद्यार्थियों कागज़ का आविष्कार और कागज़ के उत्पादक देश तथा स्थानीयकरण के कारण। धन्यवाद विद्यार्थियों।